लगातार एक डर था कि कोई गोली मार देगा, कोई हाँ पकड़ यही रहा लेगा। है कि अब पकड़ ले कोई, क्या देखा जाए कि वो आ रहा है कोई, तो वैसे डर के चुप्पे पे बैठ जावा जो लुकाए रहा जाए। जब इतना डर था, सब कुछ था, लेकिन आपको अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों को छुड़ाना ही था किसी भी हाल में। हाँ हम अपन देहे में संतोष कर नामकारा किया तो बच्चे जी है तो हम एक साथ में चले जेबे जुका तो हम सबूरन कर लिया रहा हम का बच्चे के साथ हम अपना जान दे दोगे। बच्चे जो लेके जीबे तो बच्चे लेके जीबे और न बचबे तो हम भी जीबे, हम यही जिद हमार रहा। मैं सोच लिया था आपने कि या तो बच्चों को लेकर आऊंगा, नहीं तो हाँ खुद भी उनके साथ मर हम जाऊंगा। जान अपने दे देबे, हम घर पर वस आई बिना। बेटे मेरी बात से, हम दोबारा ये गलती नहीं कर सकते, हमें आज रात ही वाटर पार्क की बस पकड़नी होगी। चलो उठो बेटे उठ। चुप 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 चुप, तुम लोग यहीं रुको, तुम लोग रुको, बस रोकने दो, रोको रोको भाई साहब, रोकना गाड़ी रोकना भाई साहब, बस बॉर्डर पार जाए। हाँ, जाएगा जाएगा, बस तो चलो जल्दी आओ, चलो चलो। कोई आ जाए तो पर्वत, कोई टकराए तो ताकत, कोई दिखलाए तो तूफान, कोई मंडलाए तो मुश्किल, कोई आ जाए तो पर्वत, कोई टकराए तो पर से चाहे अंबर से आग लिपटे जाए, चाहे अंबर से आग लिपटे चाहे पैरों से नाग, पाएगा जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। इतनी सारी मशक्कत के बाद, इतने महीनों के बाद में अपने बच्चों को लेकर आप घर पहुंचे। हाँ जी, घर पे पहुंचे। तब कैसा लगा, आपकी बीवी का क्या? घर से जब पहुंचाए तब पूरा रिश्तेदार, पूरा गांव, 10-20 गांव के पूरा मेला लग गया, इतने खुशी भाई। जगराम जी, आपकी हिम्मत को हम सलाम करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि जगराम जी की हिम्मत और उनके साहस से आप सभी को इंस्पिरेशन मिली होगी कि यदि इंसान कुछ ठान ले तो किसी भी मुश्किल से पार पा सकता है। अगली बार फिर मुलाकात करेंगे ऐसी ही एक और इंस्पिरेशनल कहानी के साथ। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, पावर्ड बाय चिंग्स पर। तब तक के लिए
अलविदा।